सुन, जॉनी के बारे में घर में किसी को बताना मत, फालतू सब टेंशन में आ जाएंगे। नहीं नहीं डोंट वरी। सैड है। हाय पारो। पारो क्या हुआ आपको? आप ऐसे यहाँ पे अकेले सैड क्यों बैठे हो? मुझे आपसे बात नहीं करनी है, मैं आपसे करती हूँ। अच्छा आप आओ मेरे पास आओ इधर। नहीं मुझे आपके पास नहीं आना है। बट हुआ क्या है बताओ मुझे। अब बहुत झूठ बोलते हो डैड। झूठ? ऋषि भाई नहीं छोटू, झूठ नहीं बोलते ऋषि भाई। डैड ने मुझे बोला था मुझे बहुत मजा आएगा, पर यहाँ मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। मैं भी बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। हाँ क्या कह रहे थे आप बताओ मुझे, मैं सॉल्व करता हूँ आपकी प्रॉब्लम। बताओ यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, इतने सारे गेम्स हैं, इतने सारे खिलौने, आप खेलो ना, आपको मजा क्यों नहीं आ रहा? ओहो सारे खिलौने तो बंद कमरे में खेलने वाले हैं, ऐसे मुझे मजा नहीं आता, मैं यहाँ कुछ भी नहीं खेल पाती हूँ। सब कहते हैं जाओ और अपने कमरे में खेलो, ऐसा होता है क्या डैड? हाँ आप ही बताओ। अच्छा तो ये प्रॉब्लम है, सॉरी मुझे ये बात तो पहले समझ जानी चाहिए थी कि आपको बंद कमरे में खेलना अच्छा नहीं लगता। बट कोई बात नहीं, इस प्रॉब्लम का भी सलूशन ढूंढ लेंगे हम, है ना आयुष? यस यस पक्का। और फिर देखना मेरी प्यारी बेटी को शिकायत का एक मौका भी नहीं मिलेगा। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। ऋषि 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 ये लड़की तुम्हारी सगी बेटी है। अरे लक्ष्मी पुत्र। हाँ ये ले तेरा फोन, देख ले कोई मैसेज आया लगता है। मिस्टर रोबरॉय को गलती से कॉल लग गया था, उन्होंने कॉल बैक भी किया था पर बात ही नहीं हो पाई। किसी और ने सॉरी कह दिया था पर मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं सॉरी बोल दूं। अभी मैसेज कर देती हूँ। आपसे माफ़ी मांगनी थी क्योंकि फ़ोन गलती से लग गया था और आपने फ़ोन किया तभी बात नहीं कर पाई, सॉरी। सगी बेटी? हाँ ये लड़की तुम्हारी सगी बेटी है जो इतना प्यार दिखा रहे हो इसे, ये तुम्हारे अपने परिवार वालों की शिकायत कर रही है, तुमसे कंप्लेन कर रही है और तुम सुन रहे हो, रिस्पॉन्ड कर रहे हो। मॉम, मॉम। हाँ देखा हमने, देखा और सुना कि कैसे बिहेव कर रहे थे तुम इसके साथ। हाँ मॉम आई लव हर, बहुत अच्छी बच्ची है ये और छोटी बच्ची है इसलिए इसकी बात भी मान रहा था मैं, और इस घर में मेरी वजह से आई है तो जिम्मेदारी मेरी बनती है मॉम। अगर तुम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे होते ना तो हम ये सारी बातें कह ही नहीं रहे होते। और रही बात प्यार की, तो जो तुम्हारे प्यार के लायक हो, जिसे तुम्हारे प्यार की कीमत पता हो, उसे अपना प्यार दो, समझे? मॉम आप डैड को क्यों डांट रही हो? डांट नहीं रही है, बात कर रही है। बदतमीजी से बात कर रही है ये लड़की हमसे, दिखा तुमने और तुम्हारे सामने बात करी और फिर भी तुम कुछ नहीं कह रहे, चुप खड़े हो। मॉम छोटी बच्ची है वो, बिल्कुल रोहन जैसी है। रोहन की हमारे रोहन से ना इस बच्ची को कंपेयर मत करना तुम, समझे? और तुम हमारे बेटे को डैड मत बोलो, ओके? नहीं ये डैड है तो मैं इनको डैडी बुलाऊंगी। पारो 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 इसे मॉम इसे कंट्रोल करना होगा ऋषि। और मॉम कंट्रोल नहीं, इसे वापस इसके घर भेजो, समझे? तो मॉम क्या कर रही हैं आप, छोटी बच्ची है वो, जाने दीजिए। बच्ची है वही तो कह रहे हैं, एक इतनी सी बच्ची से तुम्हारी मॉम के झगड़े हो अच्छा लगेगा क्या? और वैसे भी हमें बार बार इसे डांटना अच्छा नहीं लगता, इससे बेस्ट है कि इसे वापस इसके घर छोड़ कर आओ। एक्चुअली तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो, इसे छोड़ने जाने की कोई जरूरत नहीं, इसकी माँ को बुलाओ यहाँ और कहो इसे लेकर जाए, और जैसे ही रोहन का प्रोग्राम खत्म हो जाए ना हमारे रोहन को वापस ले आना तुम इस घर में। एक बात और करें तुमसे, रोहन के डैड हो तुम, सिर्फ रोहन के, कोई और आके तुम्हें डैड कहेगा ना हमें अच्छा नहीं लगेगा।